हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शान ब्लॉग सिल्वर पर्ल। अज असी तुहानू हर्षवर्धन पार्क दिखावांगे। इस दे विच तुसीं अग्गे देखोगे हर्षवर्धन दा टिल्ला। यह पार्क दा खूबसूरत दृश्य है जो कि तुसीं अपनी स्क्रीन दे उपर देख रहे हो। हर्षवर्धन पार्क पुरातत्व विभाग वालों खुदाई द्वारा इस टिल्ले दे अवशेष प्राप्त हुए। इत्थे कुछ कक्ष सेल तुसी देख रहे हो अते इना सेलां दे अंदर कुछ आले भी बने हुए हैं। इना दे विच कोई भी दीवा जां फिर कोई भी रोशनी दे प्रबंध वास्ते कोई भी चीज रखी जांदी सी जां समान कुछ जरूरी वस्तां रखण वास्ते ये आले बनाए गए होणगे। पुरातन काल दी भवन निर्माण कला दा यह बहुत ही अद्भुत नमूना अते सराहां दे रूप विच यह इमारत। राजा हर्षवर्धन ओ 16 साल दी उम्र विच सम्राट बने। उन्हां 606 ईस्वी तों 647 ईस्वी तक राज कीता। वो छोटे वंश पुछया भूती विच पैदा होए। उन्होंने 41 साल तक राज कीता। उन्होंने राज विच लोग सुखी अते संपन्न सन। राजा हर्षवर्धन एक कवि अते एक नाटककार भी सन। उन्होंने लिखे दो नाटक प्रिया दर्शिका अते रत्नावली प्रसिद्ध हैं। ये टिल्ला 1 किलोमीटर 750 मीटर चढ़ाई विच फैलिया होया है। भारतीय पुरातत्व विभाग के श्री BM पांडे ने इस टिले की खुदवाई करवाई अते 6 इतिहासिक कालां नाल संबंधित पुरातन अवशेषां तों पता लगाया। खुदाई दौरान राजपूत, गुप्त, कुषाण, गुप्तकाल, वर्धमान अते मुगल काल दे अवशेष मिले हन। कुषाण काल अते गुप्त काल दा समां सब तो महत्वपूर्ण है। दोस्तो, तुसीं देख रहे हो राजा हर्ष दे टिल्ले दा ए दृश्य जो शेख चिल्ली दी मजार दे पिछले पासे स्थित है। इस स्थान नूं साथानेश्वर अजोके हरियाणा विच थानेसर दे नां तों जाणिया जांदा है अते इह है राजा हर्ष दा टिल्ला। पुरातन इमारतां दे अवशेषां तों इस दे राजकाल, इस दी भवन निर्माण कला दा पता अंदाजा लगाया जा सकता है। खुदाई दा काम 1987-88 तो 1990-91 तक होया। खोज तो बाद राजा हर्षवर्धन की प्राचीन राजधानी स्थानेश्वर दे रूप विच सामने आई। इसका वर्णन बाणभट्ट, एक चीनी यात्री ह्यून सांग अते अलेक्जेंडर कनिंगम के ग्रंथा विचों भी मिलता है। अंत विच उसने बुद्ध धर्म का प्रचार अते प्रसार किया ते ओ गौतम का एक भगत बन गया। 647 विच हर्षवर्धन की मौत हो गई। दोस्तों, तुहानू हर्ष दा टिल्ला दिखाया, तुहानू ये वीडियो किस तरह की लगी?
वीडियो किवें दी लगी कमेंट करके जरूर दस्यो ते लाइक ते शेयर करना ना भुल्यो। नवीं वीडियोज़ देखने लिए साडे चैनल सब्सक्राइब जरूर करियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।